हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज ज्ञानचंद शर्मा एंड हेयर यू आर लर्निंग इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा. फर्स्ट ऑफ ऑल टू इम्पार्टिंग बेस्ट टीचिंग अमंग यू. तो जैसा कि हम पहले की तरह सेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके चल रहे थे. तो डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक था अपना कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट. ठीक है, चेक कर लेना भाई. अब मैं आपको सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे. मैंने क्या कहा कि इंग्लिश में मैनी का प्रयोग दो तरह से किया जाता है. एक मैनी ए होता है, एक मैनी एन होता है, और एक अपना मैनी होता है. आप इसको मैनी बोलिए, चाहे आप गुड मैनी बोलिए, और चाहे आप इसको अ ग्रेट मैनी बोलिए. ठीक है, तो इंग्लिश में अनेक दो प्रकार के होते हैं. एक अनेक तो होता है अलग अलग समय के लिए. तो मैनी ए और मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आएगी. यहाँ भी नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर. वो मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा. अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो ए का यूज करेंगे, और वोवेल साउंड आएगी तो हम एन का यूज करेंगे. नाउन सिंगुलर आएगी, यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. और ये इसका मतलब भी अनेक होता है, इसका मतलब भी अनेक होता है, इसका मतलब भी अनेक होता है, लेकिन यहाँ नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब भी हमें प्लूरल यूज करनी है. मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, अगर कोई मुझसे कहे मैनी अ बॉय तो मैं समझ जाऊंगा कि लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लड़का कब है, एक लड़का कब है, यानी हम अलग अलग समय के लिए बात कर रहे हैं. तो यहाँ वर्ब क्या आएगी? इज आएगी. अगर कोई मुझसे कह देता है मैनी बॉयज तो मैं समझ जाऊंगा कि लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, एक ही समय पर है. तो इसलिए वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आर आएगी. तो ये नियम तो हम पढ़ ही चुके थे. अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हम इंग्लिश पढ़े तो कोरिलेट करके जरूर पढ़े. कोरिलेटिव मेथड होता है, कोरिलेट करके हमको टीचिंग करनी चाहिए. कि इस अंग्रेजी में अनेक दो प्रकार के होते हैं, तो एक तो ये पढ़ ही लिया. दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था मोर देन वन वाला यूज. कौन सा वाला यूज पढ़ाया था? मोर देन वन. ये भी मैनी की तरह यूज होता है. इसके भी दो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको कि यदि आप मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन लिखोगे तो नाउन का यूज आपको वन के बाद करना पड़ेगा, और वर्ब भी कैसी आएगी आपकी? सिंगुलर वर्ब आएगी. लेकिन यदि आप मोर देन वन के साथ प्लूरल नाउन का यूज करते हैं तो मोर के बाद आपको नाउन लिखनी पड़ेगी. नाउन कैसी होगी आपकी? प्लूरल. और प्लूरल के बाद आप क्या लिखेंगे? देन वन. और देन वन के बाद आपको वर्ब कैसी लिखनी पड़ेगी? प्लूरल. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था. अभी इसी नियम पर बेस्ड ऑन अपने अगले नियम है. तो इसको मैंने रूल नंबर फर्स्ट दे दिया था, इसको सेकंड दे दिया था, इसको थ्री दे दिया था, इसको फोर नंबर पे. अब रूल नंबर कौन सा लेते हैं हम? फिफ्थ देखते हैं हम. द लार्ज नंबर ऑफ. ठीक है, द वैरायटी ऑफ आप लिख लेंगे साथ में. द वैरायटी ऑफ, मैंने क्या लिखवाया? द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ के बाद आने वाली नाउन. हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल होती है. नाउन तो हमेशा प्लूरल मिलेगी, परंतु हम वर्ब का प्रयोग परंतु हम वर्ब का प्रयोग
सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। अब समझ जाना ये जो नियम है द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ, ये वही वाला नियम है जो अभी हमने पढ़ा था, कौन सा, मैनी ए मैनी एन वाला। द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ का मतलब हो जाता है कि अनेक है लेकिन कब है, अलग अलग समय पे। तो आप एक नोट भी डाल लेंगे, नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ द वैरायटी ऑफ का अर्थ हो जाता है अनेक परंतु अलग अलग समय के लिए, किसके लिए अलग अलग समय के लिए। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ, इनके बाद नाउन तो प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब का यूज आपको सिंगुलर में करना है। और यहां पर द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ का जो सामान्य जो हम मीनिंग निकालते हैं, जनरल जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि अनेक है लेकिन एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। जबकि और लिखवाता हूं मैं आप, जबकि ए नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जबकि ए नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ का के बाद, सॉरी के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल होती है और हम वर्ब का प्रयोग भी, और हम वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में करते हैं। वर्ब का प्रयोग भी किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं, ठीक है। अब यहां पर वही नियम है, ये मैनी वाला नियम है, ये नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, ये कहता है कि अनेक हैं लेकिन कब हैं, एक ही समय पर। तो यह नोट डाल लेंगे आप, नोट में क्या लिखेंगे, यहां पर ए नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ हो जाता है अनेक अनेक परंतु एक ही समय के लिए, किसके लिए, एक ही समय के लिए, ठीक है। अब वी हैव सम इंस्टेंसेज इन ऑर्डर टू ग्रेस्प वेरी ग्राफिकली। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेज है समझने के लिए, देखो मैं यहां तुलना करके बताता हूं। मैंने कहा कि मैनी एन एक्सीडेंट, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में लूंगा मोर देन वन एक्सीडेंट, अभी आगे लिखूंगा मैं। थर्ड सेंटेंस में ले लेता हूं द लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, द लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स,
देखिए ये नियम तो आप कौन सा पढ़ रहे हो, वही वाला नियम। कौन सा? मैंने कहा मैनी एन एक्सीडेंट इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, मैनी एन एक्सीडेंट अकर्ड, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, इन फ्रंट ऑफ अवर स्कूल गेट, ऑफ अवर स्कूल गेट। अब मैंने यहां पर हैज हैव लिख दिया। क्या लिख दिया? हैज हैव। तो देखिए मैं जब ये कह रहा हूं कि मैनी एन एक्सीडेंट, इट मीन्स दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन दुर्घटनाएं कब हुई हैं? एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पे। तो आपको यहां किसका यूज कर देना है? हैज का। किसका? हैज का। इसी तरह से हम इसमें ले लेते हैं अकर्ड, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, इन फ्रंट ऑफ अवर स्कूल गेट, अब इसका मतलब भी क्या हुआ कि दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कब हुई है? मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर आती है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहां हैज में से क्या फिल करेंगे आप? हैज। किसका यूज करेंगे? हैज का। एक हाँ तो ध्यान देंगे आप, मोर देन वन एक्सीडेंट हैज अकर्ड इन फ्रंट ऑफ अवर स्कूल गेट, इसका मतलब दुर्घटनाएं तो बहुत घटित हुई हैं। और मैंने कहा द लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्ड, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, इन फ्रंट ऑफ के सामने। बिल्कुल याद कर लो, इन फ्रंट ऑफ के सामने ऑफ अवर स्कूल गेट। तो यहां ध्यान देंगे आप हैज हैव में से इसका मतलब भी क्या हुआ कि दुर्घटनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन द लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो ये अंग्रेजी में अनेक होता है, लेकिन ये अनेक किसके लिए आता है? अलग अलग समय के लिए। जो मैंने आपको ये तीन ही नियम होते हैं, देखो एक तो ये रहा मैनी एन एक्सीडेंट, इसका मतलब दुर्घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कब हुई है दुर्घटनाएं? हमारे कॉलेज गेट, स्कूल गेट के सामने, अलग अलग समय पर। ठीक है, ये भी ये कह रहा है कि दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन कब हुई है? अलग अलग समय। फिर द लार्ज नंबर ऑफ वाला नियम भी क्या कहता है कि दुर्घटनाएं बहुत सारी घटित हुई हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा, कोई भी वर्ड आपको आता है, देखिए अभी मैं रीडिंग शुरू करवाऊंगा, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, रीडिंग बहुत जरूरी है, एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, तब जाके हमारा कंपोजिशन पार्ट अच्छा होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल वर्ड है, एक्चुअल में अकर मींस होता है घटित होना, इसको हम बोलते हैं टेक प्लेस। क्या बोलते हैं? टेक प्लेस। हैपन भी बोल देते हैं। एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब होती है कम अबाउट, कम अबाउट, कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन। और एक कम ऑफ भी होता है, बाद की बातें, ये घटित होने के लिए होता है। ठीक है, और इस अकर से एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है अपने स्पेलिंग मिस्टेक का, आज याद कर ले आप, अकरेंस, घटना, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी, ये स्पेलिंग होती है आपके एसएससी में काफी बार, सीजीएल के पेपर में, आपके इधर को सीपीओ के पेपर में, तो ये स्पेलिंग गलत होती है। तो अकरेंस की याद कर लेना, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, अकरेंस मीन्स क्या होता है? घटना। ये नियम क्लियर हो गए आपके। अब तीन एग्जाम्पल और लेते हैं।
ये बताने से पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे कुछ पूछा था, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्या पूछा था उन्होंने। अभी अपने किन्हीं स्टूडेंट ने मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा था कि सर गुड के बाद आपने एट बताया। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इंग्लिश को रट के पढ़ोगे आप इंग्लिश कभी अच्छी नहीं कर सकते। देखिए इंग्लिश में कुछ भी संभव है, आप मुझे सेंटेंस दीजिए, मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता। एक तो इंग्लिश में बिना सेंटेंस के अगर कोई इंग्लिश को डायरेक्ट पढ़ रहा है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और एक अगर कोई इंग्लिश को स्टाइल से पढ़ता है वो भी एक बेवकूफ़ी है। हाँ कुछ जगह आप स्टाइल का यूज कर सकते हैं, बाकी का सबसे बेस्ट यूज होता है लैंग्वेज में यूज करना। मैं बार बार रिपीटेडली आई एम रिपीटेडली टचिंग अपॉन द सेम पॉइंट, ट्राई टू यूज द लैंग्वेज बिकॉज द लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज जो होती है कभी रटने से थोड़ी आती है। आपने हिंदी में स्वाभाविक तरीके से सूख गया जैसे मेरे माता पिता बोलते थे, उसी वे में आप अंग्रेजी सीखना सीखिए। तो गुड के बाद एट जब आता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज में होशियार हो या इंटेलिजेंट हो, यानी एक्सेल हो। एक्सेल इसका सिमिलर वर्ड है, एक्सेल के बाद इन आता है। एक्सेल का मतलब श्रेष्ठ भी होता है कि आप किसी से सरपास आगे निकल गए, किसी को आपने पीछे छोड़ दिया। तो गुड एट और एक्सेल इन बोथ आर सिमिलर, बट गुड इज फॉलोड बाय एट एंड एक्सेल इज फॉलोड बाय इन प्रेपोजिशन। ठीक है, इस एक्सेल शब्द से ही बना है एक्सीलेंस, वो बाद की बात है। अगर एक फ्रेज होता है फॉर द गुड ऑफ, अब ऐसे थोड़ी ये सेंटेंस को पढ़ के देखिए तो गुड के बाद ऑफ भी आ सकता है, ये तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि कविता इज गुड एट मेकिंग फेबुलस स्टोरीज, कविता मनगढ़ंत कहानियां बनाने में निपुण है, फेबुलस स्टोरीज बनाने में। तो गुड के बाद क्या लिख दिया हमने, एट लिख दी। ठीक है, मैंने कहा कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में होशियार हूं, तो आराम से आप सजेस्ट कर सकते हैं कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है, अब मैं कहूं आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं, फॉर द गुड ऑफ अदर्स दूसरों की भलाई के लिए। तो फॉर द गुड ऑफ, अब मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं, या गुड ऑफ का मतलब क्या है, दूसरों की भलाई के लिए, तो फॉर द गुड ऑफ फ्रेज होता है। तो देखिए लैंग्वेज में कुछ भी पॉसिबल है। गुड के बाद एट आता है तो गुड एट का मतलब होशियार या बुद्धिमान। तो यह वाक्य से पता लग रहा है कि मैं अंग्रेजी में होशियार हूँ, या सेंटेंस से पता लग रहा है कविता इज गुड एट मेकिंग फेबुलस स्टोरी, कविता मनगढ़ंत कहानियां बनाने में निपुण है। और अगर मैं ये कहूँ कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ, फॉर द गुड ऑफ अदर्स, सॉरी मैं दूसरों के लिए, अदर्स कर लेना, कार्य कर रहा हूँ, तो गुड के बाद ऑफ भी आ सकता है। ठीक है, अभी और समझाता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से रखिए। देखिए मैंने आपको प्रीफर शब्द बताया था, याद करिए, आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन में क्लास पूरी लिया करो आप। अगर वास्तव में आपको इंग्लिश सही करनी है तो आप मेरी, अभी मैं आपको रीडिंग शुरू करवाऊंगा, एडिटोरियल दूंगा डिस्प्ले पे, पूरे रीडिंग करवाऊंगा, आपकी इतनी शानदार इंग्लिश हो जाएगी कोई आपको चैलेंज ही नहीं कर सकता। आप वर्ड को फिल करना सीख जाओगे, मैं खुद पसंद नहीं करता ऐसे डायरेक्ट वर्ड वगैरह पढ़ना, मैं तो यूज से पढ़ता हूँ, शुरू से बचपन से आदत रही है, जब से मैंने अंग्रेजी मतलब पढ़ना शुरू किया है। तो मैं आपकी तरह रटता नहीं हूँ एक्चुअल में, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद द सेम आइडिया लाइक यू। ठीक है, एंड आई प्रीफर द लैंग्वेज द हैबिट फॉर्मेशन व्हेन आई एम लर्निंग एनी टारगेट लैंग्वेज एंड स्पेशली इंग्लिश। तो प्रीफर शब्द होता है। ठीक है, अब मैं प्रीफर के बारे में ही बता देता हूँ आपको। मैंने कहा कि मैं महत्व देता हूँ, अब समझना 1 मिनट के लिए। अब मैंने लिख दिया आई प्रीफर, ठीक है, अब मैंने टू नहीं लिखा, आपने तो गाइड पढ़ लिया, प्रीफर टू, प्रीफर टू। अरे प्रीफर के बाद टू तब आता है जब टू ऑल्टरनेटिव दिए हुए हो। अब मैंने कहा कि मैं चाय को महत्व देता हूँ, आई मीन्स मैं, प्रीफर मीन्स महत्व देता हूँ, और किसको महत्व देता हूँ, टी चाय को। अब ये तो भाई आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
टी ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका मुझसे पैसिव वॉइस पूछ लिया जाता है, तो मैं यही तो कहूंगा पैसिव वॉइस में कि चाय को मेरे द्वारा महत्व दिया जाता है। भाई रटने से इंग्लिश कभी सही नहीं होगी, ध्यान रखना। चाय को मेरे द्वारा महत्व दिया जाता है, और ये 2010 की इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हम कि ग्रामर पढ़ ली काम चल गया। पहले मैंने पढ़ाया कितने सारे सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स, कितने संख्या में हैं, मैं 3-4 टॉपिक पढ़। अब ये समय बदल गया है, ये 2020 की इंग्लिश चल रही है, अब ट्रेंड बदल चुका है, मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। इसलिए आप चाहे स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, आपका कंपोजिशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस अरेंजमेंट आना चाहिए, पैसेज का आंसर देना आना चाहिए, क्लोट टेस्ट आना चाहिए। 4 शब्द सीखने से अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। ग्रामर पे भी अच्छा एक्विजिशन रखो, साथ में आपको कंपोजिशन पार्ट अच्छा रखना है, मजबूत करना है। SSC में बहुत ईजी कंपोजिशन पार्ट आता है, ये तो आप लोगों की गलत फहमी है। और मेरे पास अभी मुंबई से को मैसेज आया था फेसबुक पे, वो भैया है वो सुन भी लेंगे, राजपूत जी, मैं नाम भूल गया, जो भी है तो विवेक राजपूत या पता नहीं किस नाम से, बाकी का बाय फेस में उनको पहचान गया था कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और मिठाई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बोला सर मैं 2 बार सेलेक्ट हुआ हूँ, एक्चुअल में आपका जो सिलेक्शन हो जाता है वो मेरे लिए मिठाई से कम नहीं होता है, और आप आगे बढ़े क्योंकि आप इस तरह के जब इफ़ यू आर गेट सेलेक्टेड यू विल एलिवेट माई स्टेचर इन द आईज ऑफ योर पेरेंट्स, इन द आईज ऑफ दोज हु आर सराउंडेड यू। तो आप लोग मेरा एलिवेट करोगे, स्टेचर को एलिवेट करोगे। मैं तो यही कहता हूँ कि अभी एक उसमें LDC में भी मेरे पास एक भावुक मैसेज आया था अपनी स्टूडेंट का, पता नहीं दीपक मीना या किस नाम से थे। तो अच्छी बात है कि चलो हमने हमारे पढ़ाने से कम आपको देखिए पूरा एक्चुअल में सबसे बड़ा योगदान तो आपका ही होता है, क्योंकि अगर मेरे पढ़ाने से ही सब लड़के निकल जाए तो फिर तो सारे सेलेक्ट हो जाए 100 के 100। एक्चुअल में सबसे बड़ा श्रेय आपको ही जाता है। हम एक अच्छा लाइन दिखाते हैं, अच्छी टीचिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, बाकी का ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। तो ये तो रीजन क्या है कि खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, चाय को मेरे द्वारा महत्व दिया जाता है। तो अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब जब पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। टी इज प्रीफर्ड, चाय को महत्व दिया जाता है, PREFERRED, टी इज प्रीफर्ड बाय मी। भाई पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, बाय का। अब कल को आप तो ये कहोगे सर एरर हो गई, ये कैसी इंग्लिश पढ़ रहे हो आप। भाई मैं ये कह रहा हूं कि टी इज प्रीफर्ड बाय मी, चाय को महत्व दिया जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। देख लो मैंने बाय का यूज कर दिया, मैंने कहा कि मेरे परिवार में चाय को महत्व दिया जाता है। तो लैंग्वेज को पढ़ो, समझना सीखो, सब कुछ आ जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मैं यही तो कहूंगा टी इज प्रीफर्ड, चाय को महत्व दिया जाता है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, PREFERRED, ठीक है। इन माई फैमिली, अब देख लो मैंने क्या लिख दिया, इन माई फैमिली, क्योंकि यहां मैंने मेरे परिवार में, तो मैंने मैं की अंग्रेजी किससे बनाई है भाई, यहां तक तो मैंने इंग्लिश बनाई दी। टी चाय, इज प्रीफर्ड, चाय को महत्व दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, मेरे परिवार में, इन माई फैमिली। तो मैंने टी इज प्रीफर्ड इन माई फैमिली, चाय को मेरे परिवार में महत्व दिया जाता है, समझ गए आप। तो देखो प्रीफर के बाद यहाँ बाय भी आ रहा है, प्रीफर के बाद इन भी आ रहा है। भाई प्रीफर के बाद टू जब आता है जब दो ऑल्टरनेटिव दिए हुए हो, तो गुड के बाद एट तभी आता है जब आप किसी चीज में होशियार हो, इंटेलिजेंट है। अगर कल कोई फ्रेज आ गया फॉर द गुड ऑफ, तो आपको फॉर द गुड ऑफ लिखना पड़ेगा, कंडीशन बदल गई। तो पढ़ के देखा करो, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आता, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन है, इंग्लिश में काफी बार क्या होता है, वर्ब पे अलग नियम चलता है, नाउन पे अलग चलता है। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे मैरी वर्ब है, एक्टिव वॉइस में आएगी तो प्रपोजिशन नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में आएगी तो प्रपोजिशन टू लगेगा। तो सारी कंडीशन सभी आपके सामने होंगी, आप इंजॉय करिए इंग्लिश को अच्छे से। मैंने कहा कि मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। अब यहां मैं आपको प्रीफर के बाद किसका यूज करूंगा,
और भाई याद कर लेना, मैंने फिक्स्ड प्रपोजिशन में आपको बताया स्टेयर एट, गेप एट, लुक एट, सी एट, पेरूज एट और स्टेयर इन द फेस, अगर चेहरे की तरफ घूर रहे हो तो स्टेयर शब्द आएगा। मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। अब मैं लिखूंगा आई प्रीफर, अब मैंने रिपीटेडली बोला है व्हेन टू ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन प्रीफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्रेपोजिशन एंड इफ इट इज फॉलोड बाय देन मोर देन और ओवर इट रिजल्ट्स इन सॉल्सिज्म। ठीक है कि प्रीफर के बाद हम टू का यूज तभी करेंगे जब दो ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। यदि हम प्रीफर के बाद देन लिखते हैं या मोर देन लिखते हैं या ओवर लिखते हैं तो सेंटेंस किस में रिजल्ट्स हो जाता है? सॉल्सिज्म में। सॉल्सिज्म का मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक में। तो आई प्रीफर, अब सबसे पहले मैं वो लिखूंगा मैं किसको महत्व देता हूँ, कॉफी को। तो आई प्रीफर कॉफी टू टी, तो ये लो अंग्रेजी बन गई। अब देखो मैंने प्रीफर के बाद टू कब लिखा है, जब दो ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। यहां मैंने बाय क्यों लिखा है, क्योंकि पैसिव वॉइस का वाक्य टी इज प्रीफर्ड, चाय को महत्व दिया जाता है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। और यहां मैंने यहाँ इन क्यों लिखा, क्योंकि मैं तो मैं की अंग्रेजी बना रहा हूं भाई यहाँ पे। तो आप ये देखा करो, ऐसे नहीं है कि तोते की तरह रट लिया कि जहां भी प्रीफर दिखाई देगा सीधा टू भरेंगे, नहीं, सेंटेंस को देखा करो आप। अब कल को मैं आपको एक सेंटेंस और दे देता हूं, चलो देखिए। सी प्रीफर्स इंग्लिश, मैं अंग्रेजी को महत्व देती हूँ। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया। अब इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज। अब प्रीफर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रीफर्ड, चाय को महत्व दिया जाता है, PREFERED बाय हर, चाय को उसके द्वारा महत्व दिया जाता है। सॉरी, इंग्लिश, मैं कहीं ध्यान और जगह चला गया था। सी प्रीफर्स इंग्लिश, तो इंग्लिश इज प्रीफर्ड बाय हर। देखिए अब धीरे धीरे आदत में आ जाएंगे। वैसे तो बड़ी बोरिंग क्लास होती है क्योंकि आई एम टीचिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टी आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू स्पेशली इन योर एबसेंस। पहली बार मैंने आपकी अनुपस्थिति में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया है, तो आपको पता है कोई भी चीज़ होती है ऑड वन लगती है, लेकिन हर चीज, चूंकि दिस इज माई बिगनिंग, इट्स माई इंसेप्शन, शुरुआत है, तो कोई नहीं। और मैं तो आने वाले समय में, चूंकि अभी तो ये मानिए कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉलेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से, नहीं है। जो ये कमेंट करते हैं 2010-11 वाली इंग्लिश में, कह रहा हूँ कोई सी वाली इंग्लिश पढ़ लो आप, और मैं अभी पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में मुझे दिल्ली NCR वगैरह में अपने वीडियो चलाने, अगर मैं ये नहीं कह रहा, मतलब अगर मुझ में क्वालिटी हुई, अगर लड़के को लगा कि हाँ गुरुजी मैं, तो वो मेरा मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं है तो कोई नहीं। अभी तो मैं अपना जयपुर चलवाऊंगा जगह जगह, अभी मैंने अभी चूंकि प्लेटफॉर्म पाया हूँ, अभी तो ये मानिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तो मेरी लाइटिंग्स वाली प्रॉब्लम चल रही है, कभी वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी 15-20 दिन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक तरह से सीख जाएंगे भाई। ऑनलाइन पे वही टीचर पढ़ा सकता है जिसको वास्तव में अच्छा कमांड है, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप क्लास में किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। अब मैं तो मेरे लिए ही कह रहा हूँ कि अगर मुझ में कुछ हुआ, क्योंकि हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करता है, लेकिन ऑनलाइन में मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मजा ही तब आएगा, क्योंकि मैं तो पूरी चीजें पढ़ाऊंगा, कंपोजिशन पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे वर्ड भरे जाते हैं, अंग्रेजी की एडिटोरियल कैसे रीडिंग की जाती है, अच्छे वर्ड्स का यूज कैसे होता है, वो इंग्लिश होती है। ये पैसिव वॉइस रिपोर्टेड स्पीच पढ़ लिया, अरे तो कोई मेरे से पढ़े हुए बच्चे पढ़ा देते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे। ओवरऑल इंग्लिश आती हो, मैं उस इंग्लिश को इंग्लिश मानता हूँ जिसमें अच्छी साउंड वोकेबलरी हो आपकी, ठीक है, और आपका कंपोजिशन पार्ट बहुत शानदार हो, कोई दिक्कत ही नहीं। और बताऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी, अभी मैं क्या है दिन की क्लास करने वाला हूँ, तो मैं आपको एक एक कम से कम डेली का नियम बना लिया, आधा घंटे की तो रीडिंग करवानी है, या आपको आधा घंटे इंग्लिश को रीड आउट करना है जिससे कि वर्ड का पता लगने लग जाएगा भाई। अभी मैंने कहा शिकायतों का निस्तारण करना, अभी बैंक में पूछ लिया शिकायतों का निस्तारण करना, अधिकारी बैठते हैं शिकायतें सुनते हैं। अब आपने हिंदी पढ़ ली, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो बहुत बार पढ़ता हूं, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है, तो वहां रीड्रेस शब्द आता है, रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस, GREVANCE, तो रिड्रेस शब्द आता है निस्तारण करने के लिए। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, अब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो ही तो मुझे पता है, अब दुर्घटना हो जाना तो मुझे पता है कि मैंने मीट विद एन एक्सीडेंट पढ़ा है, तभी तो मैं सही करूंगा।
तो इंग्लिश में ऐसे शिकायतों का निस्तारण करना, तो निस्तारण के लिए रिड्रेस शब्द मिलेगा। अब ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया आपसे, तो भाई आप कैसे फिल कर पाओगे, आपको नॉलेज तो हिंदी की है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश में रीडिंग को बहुत अच्छा वो करिए। मैं डेली की रीडिंग दूंगा आपको, क्योंकि अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले पे एक अच्छा सा आर्टिकल सामने पेश किया आपको, कभी हिंदू से ले लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया से ले लिया, और उसकी रीडिंग करवाएंगे। फिर उसमें से वर्ड निकालना सीखो, वर्ड बाहर निकालो, उनकी मीनिंग याद करो। और कोई अलग से सिनोनिम्स थोड़े होते हैं, जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं यही तो सिनोनिम्स होते हैं। ये हमारा भ्रम है। मैं इंग्लिश कैसे पढ़ता हूँ, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि आई एम मलिंग, मैं सोच रहा हूँ, टू बीट अप, टेन टेन केरस चंपा, अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आई एम मलिंग, मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं मैं, टू बीट अप, पिटाई करने की सोच रहा हूं। कैन टेन के रस चंपा, झगड़ालू चंपा, चंपा स्वभाव से कैसी है, इल टेम्पर्ड है, बैड टेम्पर्ड है, क्वेरुलस है, तो मैं उस चंपा की पिटाई करने की सोच रहा हूं। अब एक तो आप कहे आई एम थिंकिंग, आपने बचपन से एक ही वर्ड सीखा, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। अरे अंग्रेजी में वर्ड्स की कमी है क्या? आई एम पॉन्डरिंग ओवर, यू शुड पॉन्डर ओवर, तुम्हें सोचना चाहिए। यू शुड म्यूज ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, तुम्हें किसानों की समस्या पर। तो क्या अंग्रेजी में वर्ड्स की कमी है क्या? म्यूज ऑन लिखिए आप, पॉन्डर ओवर लिखिए। लेकिन देखिए मेरे पूरे वर्ड याद क्यों है, क्योंकि मैंने रीडिंग किया है इंग्लिश को। ऐसे याद नहीं होते हैं कि तोते की तरह रट लिए, 2 दिन बाद भूल जाओगे आप। इंग्लिश में यूज करिए मेरी तरह, मैं भी तो यूज कर रहा हूँ। आई एम मलिंग, मैं सोच रहा हूँ। अब मल शब्द आपके स्टेनो मारा है, थिंक दे रखा है, देखते ही ऑप्शन में सही कर दिया, ये तो सिनोनिम्स हो गए। अब यहाँ एनडीए के पेपर में बीट के बाद पूछा जा रहा था, तो वह पीटने के सेंस में यूज हो रहा था, ये लो बीट अप कर दिया, क्या दिक्कत है। और यहाँ कैंटेन के रस है, बहुत बार आता है, झगड़ालू होता है, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, तो ये है। अब हिंदी में तो आपके समझ आ रहा है, देखो अपन को बेवकूफ बनने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा कि हिंदी में कहता कि मैं झगड़ालू चंपा को पीटने की सोच रहा हूँ, तो आपके सबके समझ आता था चंपा कैसी है, झगड़ालू है, उसकी पिटाई करने की मैं सोच रहा हूँ। अब मैंने अंग्रेजी में लिख दिया कि आई एम मलिंग, मैं विचार कर रहा हूं। अब एक्चुअल में आप मलिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं तो आपको आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू लुक अप दिस एसोसिएटेड वर्ड थ्रू एन एप डिक्शनरी, एंड यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मलिंग, एंड यू विल फाइंड आउट सो मैनी सिमिलर वर्ड्स बेस्ड ऑन मल। यू विल सी लाइक पॉन्डर ओवर, थिंक ओवर, कंसिडर, म्यूज ऑन, मेडिटेट एंड सो, बहुत सारे वर्ड हैं, बाद में बात कर लेंगे। अब ऐसे ही कंटेंट के रस है, तो ये आदत डालिए आप, डिक्शनरी सर्च करने की आदत डालिए, आजकल मोबाइल में अवेलेबल होती है इजीली, ठीक है ना। तो ये बाद में बात करेंगे। तो शिकायतों का निस्तारण करना रिड्रेस आता है। अब ग्रीवेंस शब्द आ गया, जी आर आई ई वी एन सी। मैंने कहा आई हैव ग्रीवेंस फ्रॉम यू, मेरी तुमसे शिकायत है, तो आप अंग्रेजी में की बजाय, हिंदी की बजाय इंग्लिश में बोला करो कि आई हैव अ ग्रीवेंस फ्रॉम यू, मेरी तुमसे शिकायत है, तो ग्रीवेंस शब्द का यूज करिए, ठीक है। अब कल को स्पेशल नेम्स आ जाए, कंप्लेंट हो गया, शिकायत का मतलब। अब हम वहीं आ जाते हैं जहां पर हम चल रहे थे, ठीक है। चल कौन से रहे थे हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब मैं लिख देता हूं, 3 एग्जाम्पल और देखेंगे आप। फर्स्ट मैंने कहा कि मैनी फार्मर्स, इन टू डेट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मोर फार्मर्स, अभी फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको, देन वन इन टू डेट, और थर्ड सेंटेंस अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स
इनटू डेट, है जेब, है जेब। अब ध्यान देंगे आप, ये नियम ये कहता है कि अनेक किसान है, ये नियम भी कहता है अनेक किसान है, और ये नियम भी क्या कहता है अनेक किसान है, कब है एक ही समय पर। तो यहां क्या लिखेंगे हम हैव, और यहां भी क्या लिखेंगे हम हैव, वन देख करके हैज मत लिख देना, और यहां भी हम क्या लिखेंगे हैव। तो इंग्लिश में अनेक दो प्रकार के होते हैं, दोनों मैंने पढ़ा दिए। एक अनेक में तो आएंगे आपके मैनी ए और मैनी एन, एक आएगा मोर देन वन, और एक आएगा द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ। और एक अनेक में कौन कौन से आएंगे, मैनी, मोर देन वन, और ए लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, सॉरी, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ नंबर ऑफ। तो ये अभी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, उसमें हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम अगला नियम लेते हैं, नेक्स्ट। पहले समझ लीजिए आप, एक्चुअल में एक वर्ड होता है हेयर, HER, और एक होता है देयर। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये भी क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी आप इन्वर्जन के बारे में कम जानते हो, एक इन्वर्सन यूज होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का कुछ वर्ड्स होते हैं उनके, अभी बाद में बता दूंगा मैं आपको। हेयर देयर का इन्वर्जन यूज होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी वाक्य में हेयर देयर शुरू में लिख दिए, क्या लिख दिए, हेयर देयर शुरू में लिख दिए, तो इनके जस्ट बाद आपको वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा। अभी नियम को समझे फिर मैं लिखवाऊंगा। अगर मैं यूं कहूं कि आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, तो यहां देयर का अर्थ निकल रहा है वहां, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्ब से पहले हेयर देयर का यूज करता हूं, कहने का मतलब है अगर आपने किसी भी सेंटेंस के शुरू में हेयर देयर लिख दिया, तो आपको हेयर देयर के बाद वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। और जब हेयर देयर का प्रयोग आप वर्ब से पहले करेंगे, तो न तो हेयर का अर्थ निकलेगा, न देयर का अर्थ निकलेगा, कभी भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ये वर्ब होगी, ये कभी भी हेयर देयर के अनुसार नहीं आएगी, यहां आपको नाउन चेक करनी पड़ेगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखनी है, यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि आप यहाँ हेयर देयर को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। ह्यूमिलिएट जानते हो ना, अपमानित करना, अबेस करना, लेट डाउन करना, इंसल्ट, बहुत सारे वर्ड है, एम्बेरेस करना, किसी को लज्जित करना, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी लिखवाऊंगा मैं आपको, असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना, ये सब सिमिलर वर्ड है। असेम्ड के बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा कौन सा प्रपोजिशन आता है, ओ ठीक है। तो जब भी हम वर्ब से पहले हेयर देयर का यूज करेंगे, देखो ग्रामर में सीखना कोई बड़ी चीज नहीं, ग्रामर तो फिक्स नहीं है, मैं आप कहीं से भी कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा देता हूँ मैं, आज तक के SSC, RPSC, UPSC, जहां से भी आप करना चाहें। लेकिन अगर ये चीजें आपके याद नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब असेंबली के बाद प्रपोजिशन पूछ लिया तो मैं क्या मदद करूंगा, फॉर द गुड के बाद प्रपोजिशन पूछ लिया, अब आपको मुझे पता लगा नॉलेज इतनी है कि गुड देखा, जहां भी गुड दिखाई दिया वहीं एट लिख दिया, फॉर द गुड आएगा तो फॉर द गुड ऑफ होता है। कल मैंने उनको रिप्लाई में भी लिख दिया था व्हाट्सएप पे कि भाई बिल्कुल आ सकता है गुड के बाद ऑफ, फॉर द गुड ऑफ होता है अच्छाई के लिए। तो पहले आप लिखना शुरू कर दें, नियम लिखे अगला, कितना जो भी नियम चल रहा है अपना, नेक्स्ट रूल। लिखिए, वैसे तो हेयर का अर्थ होता है यहां, यहां, और देयर का अर्थ होता है वहां। भाई कमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पाता, अभी देख लिया करूंगा, अभी तो आप चलिए। देयर का अर्थ होता है वहां, अभी स्क्रीन लगा नहीं पाए तो मैं थोड़ा मोबाइल में अच्छे से देख नहीं पाता,
तो वैसे तो हेयर का अर्थ होता है यहां और देयर का अर्थ होता है वहां, परंतु यदि जब हम हेयर तथा देयर का प्रयोग हेयर तथा देयर का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं, मतलब बता दूंगा मैं इनवर्सन में पढ़ाऊंगा, इनवर्सन यूज कहलाता है हेयर देयर का, लेकिन चूंकि अभी इनवर्सन में आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, आपको ये दोबारा फिर अच्छे से पढ़ाने को मिलेगा। इंग्लिश सेंस में एक चीज बहुत जगह पढ़ने को मिलती है, सबसे बड़ा फायदा है, जूनियर सीनियर प्रपोजिशन में पढ़ लिए, एडजेक्टिव में पढ़ लिए, तीन तीन बार आ जाते हैं, हर चीज रिपीट होती है। परंतु यदि जब हम हेयर तथा देयर का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं तो हेयर तथा देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है, और न ही हम वर्ब का प्रयोग हेयर तथा देयर के अनुसार करते हैं, और नहीं हम वर्ब का प्रयोग हेयर तथा देयर के अनुसार करते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं के अनुसार के लिए भी आप इंग्लिश वर्ड सीखिए। कौन से वर्ड सीखिए? बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आपने एज पर कह दिया के अनुसार, बाद की बात है, अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा अंतर है, मैं समझा दूंगा, इन अकॉर्ड विद भी होता है, इन अकॉर्डेंस विद भी होता है, और अकॉर्ड टू का मतलब देना भी होता है किसी को, मैं समझाऊंगा, अकॉर्ड के बाद पूछा जाए तो टू प्रपोजिशन आता है, अकॉर्ड का मतलब समझौता भी होता है, ठीक है, अकॉर्ड का मतलब ये भी होता है भाईचारा, हार्मनी, सरोनी उसमें पढ़ाया था, तो इंग्लिश से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, समझा दूंगा, सेंटेंस के अनुसार डिपेंड करता है। तो जब भी हम वर्ब का प्रयोग हेयर देयर से पहले करते हैं, जब भी हम हेयर तथा देयर का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं तो हेयर तथा देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, और न ही हम वर्ब का प्रयोग हेयर तथा देयर के अनुसार करते हैं। तो के अनुसार को एज पर, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्ड विद भी होता है, इन अकॉर्डेंस विद भी होता है, अकॉर्ड के बाद टू आता है, बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में, आगे और लिखेंगे। बल्कि हमें वर्ब का प्रयोग हमेशा दी गई नाउन के अनुसार करना चाहिए, दी गई नाउन के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, यदि नाउन सिंगुलर दी हुई है, यदि नाउन सिंगुलर दी हुई है तो हमें वर्ब का प्रयोग भी, किस में करना चाहिए? सिंगुलर में करना चाहिए। और यदि नाउन प्लूरल दी हुई है तो हमें वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? प्लूरल में करना चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं पहले आप।
बल्कि हमें वर्ब का प्रयोग हमेशा दी गई नाउन के अनुसार करना चाहिए। यदि नाउन सिंगुलर दी हुई है तो हमें वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में करना चाहिए, और यदि नाउन प्लूरल दी हुई है तो हमें वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में करना चाहिए। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। लेट अस मूव टू सम सेंटेंसेस समझने के लिए। देयर एन एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, और एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रतिष्ठित, प्रेस्टीजियस, रेपुटेड। तो दे आर एन एमिनेंट मर्चेंट, एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता है, ठीक है। हु इज नोन फॉर, जो कि प्रसिद्ध है, ये पढ़ाऊंगा मैं नोन फॉर का प्रयोग। हिज माइजरलीनेस, कौन रहता है। अब मैंने यहां लिव और लिव्ड लिख दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हम वर्ब से पहले हेयर देयर का प्रयोग करते हैं तो देयर का यहां कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं देयर इज अ टेम्पल, वहां एक मंदिर है। नो, देयर इज अ टेम्पल एक मंदिर है, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक तो यहां इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है, और न इसके देयर के अनुसार कभी भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो देयर इज लिखना है या आर लिखना है या देयर लिव लिखना है या देयर लिव्ज लिखना है, ये डिपेंड करेगा टोटली नाउन पर। तो एन आ रहा है, वोवेल साउंड है, अब एन आ रहा है तो नाउन, तो इसके बाद सिंगुलर ही आएगी, तो सिंगुलर नाउन है। नाउन फ्रेज सिखा दूंगा मैं, तो यहां पर क्या आएगा, लिव जाएगा, ठीक है। और देखिए, मैंने लिख दिया देयर अ बॉय एंड अ गर्ल हु फॉल इन लव विद ईच अदर। एक लड़का और एक लड़की है जो कि एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ इज आर में से बताएंगे। तो अब हमने क्या किया, एंड के द्वारा दो नाउन्स को जोड़ दिया, एक लड़का है और एक लड़की है। अब यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, क्योंकि आपने एंड के द्वारा दो नाउन्स को जोड़ दिया। एक लड़का और एक लड़की है जो कि एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। देखो आप इसको लेकर के बड़े कन्फ्यूज हैं, कैसे बताता हूँ ये भी मैं आपको। एक्चुअल में एक तो लव होती है वर्ब, क्या होती है लव, वर्ब प्रेम करना, सेकंड फॉर्म लव्ड प्रेम किया, लव्ड, ठीक है। एक लव होती है नाउन, नाउन होती है, तो इसका लव का अर्थ प्रेम करना नहीं निकलेगा, फिर प्रेम या प्यार, प्रेम या प्यार। जब लव वर्ब के रूप में यूज होता है तो प्रपोजिशन नहीं आता। आपने कई बार बोला होगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो आपने कभी ये नहीं बोला होगा आई लव विद यू, क्योंकि वर्ब आती है तो वर्ब के बाद कभी भी लव के बाद प्रपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट बोलते हैं आई लव यू। आपने कहा सी लव्ज मी, अब आप तो हिंदी अनुवाद करते हो सी लव्ज विद मी। मैंने कहा भाई तुमने विद क्यों लिखा, बोल गुरुजी से आ रहा है। अरे भी से के महत्व नहीं रखेगा, यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, सी लव्ज मी। लेकिन अगर आपने कहा कि आई एम, मैं हूं इन लव विद चंपा, कोई भी नाम लिख लिया आपने, आई एम इन लव विद चंपा, रामलाल कह रहा है कि मैं चंपा के प्रेम में हूं, तो यहाँ लव क्या है, प्रेम है, नाउन है, इसलिए इसके बाद किसका यूज हुआ है, विद का। सेंटेंस पढ़ के देखा करो, ठीक है। लव वर्ब के रूप में यूज होगा तो प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो फॉल तो यहां वर्ब हो गई, फॉल इन लव, प्रेम में पड़ना। अब अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ जाए तो फॉल इन लव विद, तो यहां लव के बाद विद इसलिए आ रहा है क्योंकि लव यहां पर क्या है, नाउन है। मैं आगे चल के भी आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं देयर के बारे में और कुछ ही बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ सेंटेंसेज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप
वेट करें, वो निकालो उन सब्जेक्ट पर अब एग्रीमेंट वाले, वैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल करवा लेंगे, एग्जाम्पल निकाल दो बस। सर इसमें वैसे एग्जाम्पल पे लाना है, सब्जेक्ट पर अब एग्रीमेंट के डले हुए हैं, चल रही है क्लासेस पे लाएंगे, और तो बाकी का मैं कर लूँगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें, ग्रामर वाला खा लो। फिल्म हो गया था इंग्लिश ओल्ड मिले, न्यू वॉल्यूम बन रहा होगा मेरे नाम से, न्यू वॉल्यूम बनेगा। नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी मैंने कल परसों ही तो करवाया था, इसके क्वेश्चन डले हुए हैं। अच्छा ये फिक्स्ड के नाम से ही कर दिया, देखने लगे इसको, देखो इसको ओपन करते हैं, गड़बड़ ये कर दी, देखो हाँ ये सब्जेक्ट, हाँ नहीं 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 ये तो फिक्स्ड वो नहीं, उसी के नाम से कर दिया था उन्होंने उस दिन भी। ये बोल्ड बोल्ड वाले देख लो, अच्छा इसमें देख लो, ये है सही है सर, ठीक है अट्ठारह तक तो करवाई दिया था। नहीं ये तो गलत आ गया साहब, अभी तो सही आ रहे थे। ये भी नहीं, अभी सही आए थे, अभी को ले लेता मैं बैक में, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, अब सॉरी फॉर डिस्टरबेंस बिकॉज वी आर न्यू वंस वी आर न्यू फाइट, ये तो मैन या मैन वाले ये तो मैंने करवाई दिए थे आपको, ठीक है फिर भी एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्टाइल कैसे लगाते हैं हम। देखिए अब एक सेकंड का आंसर है, एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम 2015 में वो कह रहा है मैनी या मैन, इसका मतलब अनेक आदमी है जो कैंसर से मर चुके हैं, इसका मतलब है कि मरे तो बहुत सारे हैं लेकिन कब मरे हैं, अलग अलग समय पे, तो मैनी या मैन के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर, तो आप देखते ही क्या आंसर देते हैं जी, सही हो जाता है एक सेकेंड के क्वेश्चन। ये पढ़ाई दिए थे मैंने ग्रेट मैनी, यहाँ तक भी करा दिया थे, ये भी सॉल्व हो गए थे, और आगे चलते हैं, ये भी करवा दिया था, ये भी हो गया। देखो यहां से देख लेते हैं, अब हम मोर देन वन
अब मोर देन वन के बाद यदि आप नाउन लिखोगे तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगी, तो मैन का बहुवचन क्या होता है? एम ई एन। तो भाई मोर देन वन लिखोगे तो वन के बाद आपको नाउन कैसी लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वर्कमैन। तो एरर किस पार्ट में हो गई? बी पार्ट में, सी डी एस में आया हुआ है, इजीली आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव, देखो ये थोड़ा सा घुमाया, बैंक का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे पहले तो। इंडिया एंड चाइना हैव मैनी लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड वर्क्स देन ब्राजील। देखो इसमें एक तो क्या होता है, हमने अंग्रेजी में जनरली क्या पढ़ा है, ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, चलो इस चीज को छोड़ देते हैं। यहाँ एक देन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देन, टी एच एन। तो देन का आने का मतलब है कि कंपेरेटिव डिग्री आना जरूरी है, क्योंकि हम देन को बिना कंपेरेटिव डिग्री के लिख ही नहीं सकते। अब यहां पर देखते हैं लार्जेस्ट आ रहा है, गलत है, यहाँ लार्ज आ रहा है, ये गलत है, ठीक है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ कर दिया हमने, और वैसे भी नियम होता है अंग्रेजी में लार्ज नंबर ऑफ, तो क्या आंसर आएगा? ए, ठीक है। कारण क्या है? एक तो यहाँ देन आ रहा है, ठीक है, एक हमने नियम भी पढ़ा है, नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो अब यहाँ पर हम ए लार्जर इसलिए करना पड़ रहा है, किसकी वजह से? देन की वजह। देन नहीं होता तो हम क्या लिखते? अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, मोर पर्सन्स देन वन, 20 क्वेश्चन देखेंगे आप, मोर पर्सन्स देन वन। अब मैंने क्या कहा कि यदि हम मोर देन वन के साथ प्लूरल नाउन का यूज करते हैं तो नाउन का यूज मोर के जस्ट बाद करना पड़ेगा, तो जस्ट बाद आ रहा है मोर पर्सन्स। अब यहाँ वन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते हो कि वन आ रहा है तो हैज लिख देते हैं, जबकि यहाँ क्या आएगा? हैव आंसर, ठीक है, ये पढ़ाई दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपुल, द नंबर ऑफ पीपुल अप्लाइंग, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, एस बी आई पी ओ में आया हुआ है, द नंबर ऑफ द पीपुल अप्लाइंग, जो अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ वर की जगह किसका यूज करना है? बॉज का, क्योंकि द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, नाउन प्लूरल आती है, तो ये पीपल प्लूरल नाउन ही है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी यहाँ? सिंगुलर। इसका मतलब लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कब है? अलग अलग समय पे, ये नियम पढ़ा दिया था मैंने आपको। अब इस पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। ट्वेंटी टू तो क्वेश्चन ही चला गया। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप तो ए लार्ज को पकड़ लीजिए, ए लार्ज ऑफ का नियम क्या कहता है? नाउन प्लूरल आती है, बिल्कुल आती है, प्लूरल होते हुए भी वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है आपको। अगर ये द लार्ज होता तब तो वर्ब सिंगुलर आती, तो देखिए इज सिंगुलर वर्ब है, हटा देंगे, वॉज सिंगुलर वर्ब है, हटा देंगे, हैज बीन सिंगुलर वर्ब है, हटा देंगे, क्या आंसर हो जाएगा? हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ वेराइटी ऑफ बेबीरिज, बेबीरिज जानते हो नहीं जानते हो आप? कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाइन, शराब के अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो बेबीरिज में कहलाता है, कोल्ड ड्रिंक आ गया आपके, ये बेबीरिज में आता है। अब वेराइटी ऑफ बेबरिज, अब यहां पर हमने देखा नाउन कैसी आ रही है प्लूरल, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, नाउन भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, और यहां पर फ्लडेड आ रहा है, थर्ड फॉर्म हो गई, तो आपको पता है यहां क्या आ जाएगा? है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं।
पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। ये आरपीएससी जो अपने एलडीसी का वैकेंसी निकली थी, इसमें काफी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, उनके एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, दिए गए वाक्यों में से सही सेंटेंस का चयन करें, सेलेक्ट द राइट वन। अब देखिए घबराना नहीं है कि अरे सर ये क्या पूछ लिया, अ नंबर ऑफ आ रहा है, अ नंबर ऑफ आ रहा है, नंबर ऑफ आ रहा है, नंबर ऑफ आ रहा है। अब देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गलत, प्लूरल वर्ब आएगी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग एब्सेंट, आर वर्ब का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है, मैं समझा दूंगा, मतलब ये सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ बीइंग आ रहा है, बी वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है। जो मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं इसके बारे में, तो इसलिए क्या आएगा इसमें आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट्स एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2017 में, दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी स्टेनो इन 2017। द नंबर ऑफ गेस्ट्स, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी जो सदस्य पार्टी के लिए आमंत्रित किए गए थे, ध्यान रखना इनवाइट के बाद टू प्रेपोजिशन आता है, आप लोग हिंदी अनुवाद करते हो ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, 40 यही एरर हो गई है, 2T आएगा, इनवाइट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, 2, लेकिन आप हिंदी के चक्कर में क्या लिख जाते हैं 4। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी, जो कि इन पार्टी में इनवाइटेड किए गए थे, तो द नंबर का ऑफ का नियम क्या कहता है कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट नियम पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2012 में आया हुआ है, वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ, संसार पर्याप्त उत्पन्न कर रहा है। देखो इसका ट्रांसलेशन करके, वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ, संसार पर्याप्त उत्पन्न कर रहा है, फॉर मीन्स के लिए, एवरी मीन्स प्रत्येक, सिटीजन मीन्स नागरिक के लिए, बट स्टिल परंतु अभी भी, अब यहाँ देयर आ गया, किससे पहले आ रहा है, वर्ब से पहले। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी वर्ब से पहले हेयर देयर आता है तो न तो हेयर देयर का कोई अर्थ निकलता है और न ही हेयर देयर के अनुसार वर्ब का यूज होता है, बल्कि वर्ब का यूज गिवन नाउन के अनुसार। अब नाउन चेक करनी है तो हंगर मीन्स तो होता है भूख, एंड मेल न्यूट्रिशन ये होता है कुपोषण। अब आपने एंड के द्वारा दो नाउन्स जोड़ दी, एक तो भूख है, एक कुपोषण है, तो यहाँ इज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा। अब देखिए सीजीएल में कितनी सिंपल एरर थी भाई, जब आप एंड के द्वारा टू नाउन्स को कंबाइन कर रहे हो तो निश्चित है वर्ब ऑब्वियस है कि वर्ब प्लूरल आएगी, तो इज की जगह क्या आएगा, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there, अब देखो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, CGL के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, देयर आ रहा है, ठीक है, ये है बीन आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो इसके बाद नाउन क्या आएगी, सिंगुलर, पेंस टेकिंग, तो देखते ही आप तुरंत आंसर दे देते हैं, क्योंकि ए से ही हिंट मिल गई, क्या आएगा, हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मीनिंग कल इसकी लिखवा दूंगा, थोड़ा टाइम का अभाव है इसलिए मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा, यहां ध्यान दीजिए। देख कई बार कुछ लड़कों से नियम नहीं निकल पाते हैं, तो वो कहते हैं सर बाहर आ गया, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के, एसएससी सीपीओ के पेपर में आया है, द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी रिपोर्ट्स करती है यानी लेखा जोखा देती है, विवरण देती है, दैट, अब दूसरा वाक्य शुरू हो गया है, द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, अच्छा ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो गलत क्वेश्चन डल गया, चलो इसको बाद में लेंगे, ये अभी पढ़ाया नहीं, ये नियम मैंने आपको, इस पे आ जाइए आप। देयर हैज बीन, देखिए CDS में पूछा है, एक साथ दो दो नियम पूछ लिए उसने, कैसे पूछ लिए, आपको ए दे करके लल्लू बना दिया, आपने सोचा ए आएगा तो हैज बीन ही आएगा, लेकिन ये पूरा नियम चलेगा, ये नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, तो मैंने क्या बताया था
ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ नाउन प्लूरल आती है, वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो एग्जामिनर को पता था कि लड़का यहाँ ए देखेगा और सोचेगा हैज बीन सही है, लेकिन आप तो समझदार हैं क्योंकि आप ए नंबर ऑफ का नियम पढ़ चुके हैं। ए नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो चूंकि ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स आ रहा है तो यहाँ हैज बीन की जगह क्या आएगा? हैव बीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखो एग्जामिनर खुद ही समझा रहा है आपको कि जब हमने यहां पर सम फॉर्म नाउन सिंगुलर दी है तो वर्ब क्या लिख दी? हैज बीन। देखो ये ना, लेकिन वो कह रहा है कि अब हमने दे दिया देयर स्कूल्स, अब यहां नाउन क्या है? प्लूरल। अब जब नाउन प्लूरल है तो अब यहां हैज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? हैव। तो एरर किस पार्ट में हो गई? सी पार्ट में। क्यों हो गया? यहां तो नाउन कैसी थी? सिंगुलर। ठीक है, यहां नाउन कैसी है? प्लूरल। तो यहां हैव बीन आएगा, वहां हैज बीन सही था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे, देयर हैव बीन अ लिटिल चेंज। अब देखिए एल आई सी एडीओ के पेपर में आया है, ए लिटिल चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? अ लिटिल चेंज। तो यहां हैव बीन की जगह क्या आएगा? हैज बीन, क्योंकि यहां पर नाउन क्या है? सिंगुलर, अ लिटिल चेंज। तो जैसी नाउन होगी उसी के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि कभी भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नियम नहीं बदलते हैं। कल को मैं कहूं देयर आर टू बुक्स इन दिस बैग, इस थैले में दो पुस्तकें हैं, इसको मैं प्रश्नवाचक में कर सकता हूं कि आर देयर टू बुक्स, क्या दो पुस्तकें हैं? अब एग्जामिनर आपको लल्लू बनाने के लिए, क्योंकि नियम तो वही देयर का है, और देयर का नियम क्या कहता है कि वर्ब कभी भी हेयर देयर के अनुसार नहीं आती, तो यहां आर क्यों आ रहा है? आर इसलिए आ रहा है टू बुक्स की वजह से। अब आपको थोड़ा सा लल्लू बना दिया, यहां देयर लिख दिया। ठीक है, अब देयर के बाद आप नाउन चेक करोगे तो वो कह रहा है सम चांसेज, कुछ अवसर, कुछ मौके। अब चांसेज आ रहा है तो यहां इज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? आ आएगा। नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, उस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा रिपीट करवा दूंगा। और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए चंपा के बारे में है, अच्छे से समझना इस वाक्य को। दैट डे, उस दिन, व्हेन, जब, दे मींस वे, ब्रॉट मींस लाए, हर मींस उसे, बैक मींस वापस, फॉर द लास्ट टाइम, उस दिन जब वे उसे अंतिम दर्शन के लिए लाए, यानी चंपा उस दिन नहीं रही थी तो अंतिम दर्शन के लिए चंपा को लाया गया था। तो दैट डे, उस दिन, व्हेन, व्हेन मींस जब, दे मींस वे, ब्रॉट मींस लाए, हर मींस उसे, बैक मींस वापस, फॉर द लास्ट टाइम। अब यहां कह रहा है वो देयर वॉज मैनी, अब मैनी आ रहा है और मैनी के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल आती है। पुराने साथी थे, ओल्ड टाइमर्स। अब मैंने क्या कहा था कि वर्ब हमेशा देयर के अनुसार नहीं आती है। अब काफी लड़कों से एरर नहीं निकली, बोला सर ये तो क्वेश्चन ही बाहर आ गया। जैसे ही मैंने उनको याद दिलाया कि भैया ये मैनी आ रहा है, मैनी के बाद नाउन, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो पुराने साथी थे, ओल्ड टाइमर्स थे, जो कि उनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और टीयरफुल भी थे, आंखों में आंसू भी थे। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन हम कर लेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा, और अभी मैं आपको दिन में क्लासेस दे दिया करूंगा, एक तो रीडिंग के लिए, एक में वोकेबलरी पढ़ लेंगे, रीडिंग से कंपोजिशन पार्ट अच्छा हो जाएगा, एक में हम कंटिन्यूसली वोकेबलरी लेंगे और एक पार्ट में आपकी ग्रामर चलती रहेगी। ठीक है, अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू।
फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। बंद कर।